दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओला इलेक्ट्रिकल स्कूटर की। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, काफ़ी समय से इंतजार हो रहा था इसके लॉन्चिंग का। तो आपको पता ही है 15 अगस्त पर लॉन्च हो चुकी है। कंपनी के फाउंडर भाविश अग्रवाल में सारी चीज़ें इसमें डिस्क्राइब करी हैं कि क्या क्या रहेगा, तो वही मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आप पूरा कम्प्लीट वीडियो देखना, तो आपको वीडियो के ख़त्म होते होते इसमें सारा एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि इसकी प्राइस कितनी रहेगी, कौन कौन से वेरिएंट इसमें अवेलेबल हैं और क्या क्या खूबियाँ रहेंगी इसमें। दोस्तों इस ओला में बहुत सारी खूबियाँ जो अभी तक की किसी भी इलेक्ट्रिक स्कूटर में मैंने नहीं देखी, तो वही मैं आपको बताऊंगा। तो बने रहिए हमारे साथ। और फिर से आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल व्हीकल बाबाजी में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल का बटन प्रेस करो, जिससे आने वाले स्कूटर्स के आपको रिव्यूज़ मिलते रहें, इलेक्ट्रिकल स्कूटर के चाहे अदर व्हीकल्स के। तो अभी सब्सक्राइब करो और चैनल को लाइक करो। तो आइए फटाफट से हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं बताऊंगा आपको इसमें ओला इलेक्ट्रिकल्स की जो भी सारी खूबियाँ हैं, प्राइस के बारे में, गवर्नमेंट सब्सिडी के बारे में, इंजन के बारे में और जो भी खूबियाँ हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ओला फ्यूचर फैक्ट्री की। तो दोस्तों यह है वो ओला की फ्यूचर फैक्ट्री, यहीं पर ओला की गाड़ियाँ बनेंगी। और ये जो फैक्ट्री खास जो है, जो तमिलनाडु में और वर्ल्ड की सेकेंड नंबर की लार्जेस्ट फैक्ट्री रहेगी। तो आइए अब हम बात करते हैं ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर के परफॉर्मेंस के बारे में। पहली परफॉर्मेंस जो है इसमें, ये मात्र 0 से 40 किलोमीटर मात्र 3 सेकंड में पकड़ सकती है, जो कि हमने सोचा भी नहीं था। और दूसरा परफॉर्मेंस का है 115 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड में चल सकती है ये। और इसके अलावा जो है इसमें खास चीज है, 181 किलोमीटर इसकी रेंज है। एक बार चार्ज होने के बाद इसको 181 किलोमीटर तक चला सकते हो। तो हम बात करेंगे इसके मोड की। तो नॉर्मली ज्यादातर गाड़ियों में नॉर्मल स्पोर्ट मोड होता है, लेकिन इसमें एक तीसरा मोड भी है, हाइपर मोड। तो दोस्तों ये भी हमने सोचा नहीं था कि इसमें हाइपर मोड भी रहेगा। और अब हम बात करेंगे इसके वेरियंट की। तो ये आपको 2 वेरियंट में देखने को मिल जाएगी, S1 में, और दूसरा वेरियंट जो रहेगा S1 Pro का वेरियंट रहेगा। और इसमें जो आपको कलर देखने को मिलेंगे वो 10 कलर देखने को मिल जाएंगे, 10 कलर। तो अब हम बात करेंगे इसके मोटर की। तो दोस्तों ये रहेगी इसकी मोटर, जो कि मोस्ट पावरफुल मोटर है। इसकी 8.5 किलोवाट का पीक पावर रहेगा इसमें। अगला जो है वो है इसमें लार्जेस्ट बैटरी पावर पैक रहेगा, जो आप देख सकते हो 3.9 किलोवाट की बैटरी कैपेसिटी के साथ रहेगा। उसमें आपको 8.5 किलोवाट पीक पावर और 3.95 बैटरी कैपेसिटी मिलेगी। होम चार्जिंग स्टेशन 750 वॉट का पोर्टेबल चार्जर रहेगा, जो आप अपने होम में लगा सकते हो, या दूसरा आप ओला हाइपर चार्जर में 50% चार्ज कर सकते हो जस्ट 18 मिनट में, जो कि फास्ट चार्जिंग रहेगी इस तरीके से। और इसमें आपको रिवर्स मोड देखने को मिल जाएगा, इस तरीके से आप देख सकते हो। रिवर्स मोड में आप इसको गाड़ी को पार कर सकते हो, तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं है पीछे रहने के लिए। और इसके अलावा अगर कहीं आप ऊंचाई पर खड़े हो तो वहाँ पर भी आप कंफर्टेबली तरीके से खड़े हो सकते हो, पीछे लुढ़कने का कोई झंझट नहीं रहेगा। और इसके अलावा इसमें जो सस्पेंशन दिए गए काफ़ी अच्छे हैं, जब आप इसको हाइपर मोड में भी चला रहे हो तो भी आपको धचकों का बिल्कुल एहसास नहीं होगा। आप जिसको किसी भी रोड पर चला सकते हो और टॉप स्पीड में भी आपको बिल्कुल नॉर्मल स्मूथ राइड मिलेगी। ये भी एक अच्छी खूबी है इस ओला में। और इस ओला स्कूटर में एक अच्छी खास बात ये भी है कि आप इसकी स्पीड को लॉक कर सकते हो अपने हिसाब से। चाहे तो आप 40 पे लॉक कर सकते हो तो ये 40 पर ही चलेगी, उससे ज़्यादा नहीं चलेगी। चाहे तो आप 50 पर कर सकते हो, जो भी आपको ठीक लगे आप अपने हिसाब से इसकी स्पीड को लॉक कर सकते हो अपने कंफर्टेबल के हिसाब से। ये जो ऑप्शन है दोस्तों बड़ी बड़ी गाड़ियों में होता है, लेकिन इस ओला ई स्कूटर में आपको देखने को मिल जाएगा, और ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन दिया गया है। तो अब हम आगे चलते हैं और बताऊंगा मैं आपको इसमें क्या क्या फीचर्स है। तो और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों, ताकि और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ इसकी खूबियाँ, ताकि लोगों को भी पता चले क्या क्या खूबियाँ हैं इसमें। और फेसबुक पर वीडियो देख रहे हो तो पेज को लाइक करो, और इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इसका जो डैशबोर्ड रहेगा वो 7 इंच का डैशबोर्ड रहेगा। इसमें जो डैशबोर्ड में पावरफुल 3GB रैम ऑक्टा कोर प्रोसेसर रहेगा। इसके अलावा आप इसमें यहाँ पर कनेक्टेड कर सकते हो 4G वाईफाई ब्लूटूथ के साथ, जो कि काफ़ी अच्छा है। और बहुत सारे खासियत है इसके अंदर, वो मैं आपको एक एक करके बताऊँ। तो दोस्तों इसमें कमाल का फीचर जो मैंने अभी तक किसी भी इलेक्ट्रिक स्कूटर में नहीं देखा, इसमें सेंसर लगे हुए हैं। और जब आप इसको खरीद लोगे उसके बाद अपने रजिस्टर कर लोगे, तो आप इसमें जैसे ही आप इसके पास जाओगे तो ये ऑटोमेटिक अनलॉक हो जाएगी, और बहुत दूर जाओगे तो ब्लॉक हो जाएगी। तो ये सेंसर जो है काफ़ी कमाल के हैं। आप इसमें अपने घर वालों को भी रजिस्टर कर सकते हो, आप इसमें अपने फैमिली मेम्बर को रजिस्टर कर सकते हो। तो ये जो फीचर्स है काफ़ी कमाल का फीचर्स है दोस्तों इसमें, और मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। और इसके अलावा इसमें काफ़ी सारे फीचर्स हैं, वो मैं आपको एक एक करके बताऊँ। तो दोस्तों आप इसमें फुल कस्टमाइज़ कर सकते हो। इसमें डैशबोर्ड में आपको साउंड की अगर कोई दिक्कत है तो आप साउंड चेंज कर सकते हो, आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हो साउंड को। और इसमें पहले से कुछ साउंड्स दिए गए हैं, इसमें डैशबोर्ड में काफ़ी सारी चीज़ें दी गई हैं जो कि कस्टमाइजेबल हैं। और हम बात करेंगे इसके डैशबोर्ड में कि क्या क्या रहेगा आपको देखने को मिलेगा। तो आइए मैं आपको बता देता हूँ, चलते हैं डैशबोर्ड की तरफ। और ये देखिए, ये जो इस तरीके का इसका डैशबोर्ड रहेगा, डैशबोर्ड में आप अपने साउंड को चेंज कर सकते हो। जो बोरिंग साउंड आता है पुरानी गाड़ियों में, तो वो साउंड नहीं आएगा। आप चलते मैं बता देता हूँ, ये देखिए जो इस तरीके से रहेगा, आप साउंड को चेंज कर सकते हो डैशबोर्ड में। ये देखिए दूसरी स्क्रीन चेंज कर सकते हो, ये साउंड भी चेंज हो जाएगा। और इसके अलावा अभी सारे काफ़ी कस्टमाइजेबल ऑप्शन दिए गए हैं इसके अंदर, वो जब आप गाड़ी खरीदोगे तो
उसके बाद आप टेस्ट करोगे तो आपको अलग ही मजा आने वाला है। तो दोस्तों ये बहुत सारे फीचर्स है। देखिए तीसरा इस मोड में भी हो जाएगा। तो ये डैशबोर्ड में अलग अलग साउंड दिए गए हैं जो काफ़ी कस्टमाइजेबल ऑप्शन है, अभी तक के कहीं किसी ई स्कूटर में मैंने तो नहीं देखे और शायद ही शायद कहीं देखने को मिले, तो ये जो है बहुत ही रेयर देखने को मिलते हैं दोस्तों। तो आइए अब हम आगे चलते हैं और दूसरे फीचर्स की बात करेंगे इसमें। और दोस्तों इसमें एक फीचर्स और है जो वॉइस रिकॉग्नाइजेशन है। जब आप इसको खरीद लोगे, रजिस्टर कर लोगे, तो ये आपकी वॉइस को पहचानेगा और आपकी वॉइस से भी कंट्रोल कर सकते हो इसको। इसके डैशबोर्ड को आप बोलोगे प्ले द सॉन्ग तो यहाँ पर सॉन्ग चलने लगेगा, आप बोलोगे इंक्रीज़ द वॉल्यूम तो वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये इस तरीके के इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन दिए गए हैं और भी ऑप्शन जानने के लिए आपको ये ओला लेना पड़ेगी। तो और बहुत सारे ऑप्शन इसमें अवेलेबल हैं। आप इसमें नेविगेशन देख सकते हो पूरा, आप इसमें यहाँ पर चेक कर सकते हो पूरा, आपको मतलब कहाँ जाना है पूरा आपको स्क्रीन पर आ जाएगा। आप इसमें मोबाइल की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसमें नेविगेशन को गूगल से कनेक्ट कर सकते हो। ये इसमें बहुत सारे फीचर्स है दोस्तों जो आपने सोचा भी नहीं होंगे। इसमें एप्लीकेशन दी गई है, इसमें मोबाइल ऐप में आपको नोटिफिकेशन आएगा जब भी आपको सर्विसिंग की ज़रूरत होगी या जो भी इसमें इशू आता है तो आपको तुरंत आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आ जाएगा। देखिए आप इसको कम ट्रैक कर सकते हो कि कहाँ पर चल रही है, कितनी चली है पूरा ऑप्शन, मतलब एक एक सिक्योरिटी इसमें इतनी कर रही दी गई है कि आप पहुंच भी नहीं सकते। तो एक तरीके की ये नेक्स्ट लेवल की ई स्कूटर होने वाली है जो कि ई स्कूटरों में रिवोल्यूशन लाने वाली है। तो आप सोच सकते हो दोस्तों कि ओला में कितने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर आपका कोई प्लान है लेने का तो आप बुक कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। लास्ट में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे बुक होगी और EMI में अवेलेबल है कि नहीं है, और उसके अलावा भी काफी सारी ऑप्शंस हैं। लास्ट में वीडियो तक पता चल जाएंगे खत्म होते होते, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। इस तरीके से अगर आप इसमें बोलोगे प्ले सम द सॉन्ग तो यहाँ पर सॉन्ग चल जाएगा, आप बोलोगे इंक्रीज द वॉल्यूम तो वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगी, जो भी आप डैशबोर्ड को बोलोगे तो ये वॉइस रिकॉग्नाइज कर लेता है इसका डैशबोर्ड। तो ये ऑप्शन भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन देखने को मिलता है जो अभी तक किसी गाड़ी में वॉइस रिकॉग्नाइजेशन तो मुझे देखने को मिला नहीं है। और दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसके डिज़ाइन की, परफॉर्मेंस की और टेक्नोलॉजी की क्या क्या यूज़ हुई है इसमें। तो दोस्तों हम बात करें इसके परफॉर्मेंस की, तो वो रहेगी इसमें जो आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, 0 से 40 किलोमीटर 3 सेकंड में मात्र जा सकती है ये। 115 किलोमीटर की टॉप स्पीड में आप चला सकते हो उसको बराबर के स्पीड पे, और 181 किलोमीटर आपको रेंज इसमें देखने को मिल जाएगी। तो ये हमने सोचा ही नहीं था इतना सारा ऑप्शन मिलेगा। टेक्नोलॉजी में आपको प्रॉक्सिमेट्री अनलॉक देखने को मिलेगा, पर्सनलाइज्ड मोड मिलेंगे, उसके अलावा वॉइस कंट्रोल आपको देखने को मिलेगा। वेरिएंट की बात करें तो दो वेरिएंट में मिलेगा। S1 में आपको यहाँ पर नॉर्मल और स्पोर्ट मोड मिलेगा और यहाँ पर 90 किलोमीटर की टॉप स्पीड आपको मिलेगी। S1 प्रो की बात करें तो यहाँ पर आपको 115 किलोमीटर टॉप स्पीड मिलेगी और 181 आपको रेंज मिल जाएगी। यहाँ पर मोड स्पोर्ट, नॉर्मल और हाइपर मोड, 3 मोड आपको देखने को मिलेंगे। 10 कलरों में अवेलेबल रहेगी। दोस्तों प्राइसिंग की हम बात करेंगे तो ओला S1 का प्राइस रहेगा 99,999 रहेगा, और हम S1 Pro की बात करें दूसरे वेरिएंट के तो 1,29,999 प्राइस रखी गई है। ये आपको EMI में भी अवेलेबल हो जाएगी कुछ बैंकों से। यहाँ पर प्राइसिंग का आप चार्ट देख सकते हो। दिल्ली में आपको प्राइस मिलेगी 85,000 S1 की, और S1 Pro की मिलेगी 1,10,000। गुजरात में 79,999 की आपको S1 की प्राइस पड़ेगी, और 109,999 आपको S1 Pro की प्राइस पड़ेगी, और अदर स्टेट में आपको पड़ेगी 99,999 की S1 और 1,29,999 की S1 Pro। दोस्तों ये सब्सिडी काटने के बाद प्राइस है, गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने अलग अलग सब्सिडी दे रखी हुई है, तो ये आपको सब्सिडी के बाद ही पड़ने वाली है। तो ये थी इसकी प्राइस दोस्तों, और ये आपको अवेलेबल हो जाएगी। सितंबर में परचेस कर सकते हो, अक्टूबर में आपको डिलीवरी मिल जाएगी, आपको बुकिंग मिलेगी olaelectricals.com पर, आप बुक कर सकते हो। इस वेबसाइट पर जाकर आप अपने मन मुताबिक कलर चुन सकते हो। 10 कलर अवेलेबल है S Pro में और 5 कलर अवेलेबल है S1 में, तो आप अपने मन मुताबिक कलर चुन सकते हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो। और अगर आपको फ्रेंड या कोई फैमिली मेंबर ओला को लेना चाहता है, रिव्यू देखना चाहता है, तो आप हमारी इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो दोस्तों। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारी एक RDM प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो कि व्हीकल इंडस्ट्री में हम एक्सपर्ट हैं, व्हीकल के लिए काम करते हैं। आप शोरूम ओनर हो या फिर आप डीलर्स हो, व्हीकल्स या कोई भी व्हीकल्स का शोरूम चलाते हो, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हमारी RDM प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, व्हीकल इंडस्ट्री में एक्सपर्ट हैं। हम आपकी सेल्स को 2 से 3 गुना तक बढ़ा सकते हैं। हमने काफ़ी सारे शोरूम की सेल बढ़ाई हुई है, हम अभी 2-3 ब्रांड्स के साथ काम कर रहे हैं। तो आप हमसे कंसल्टेशन ले सकते हो नीचे दिए गए नंबर। अब हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।